अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। आप सबका फिर से दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दिस फाइव थिंग्स कैन किल योर बर्ड पैरोट, मतलब ये चीज़ें आपके तोते की जान तक ले सकती है। और वो क्या है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाँच चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके पैरट के लिए हार्मफुल है। ये चीज़ें आपके पैरट की जान तक ले सकती है, जिसपे कि नंबर वन पर आता है चीप बर्ड टॉयज़। जो टॉयज़ आयरन या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जो कि पैरट के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं टॉयज़ होते हैं। इसमें लीड पॉइजनिंग होता है जो कि पैरट को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। अल्टरनेट में आप अपने पैरट को नेचुरल ऊट के टॉयज़ दे सकते हो जो कि पैरट के लिए सेफ रहता है। अभी नंबर टू पर आता है कुकिंग फूड नियर योर बर्ड। अगर आप अपने पैरट को किचन रूम के पास रखते हो जहाँ पे आप नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तन यूज़ करते हो, तो आप जब भी वो नॉन स्टिक में खाना बनाते हो तो नॉन स्टिक कोटिंग से एक फ्यूम निकलता है जो कि पैरट के लिए काफ़ी डेंजरस है। जब पैरट इस फ्यूम को इनहेल करता है, मतलब सूंघता है, तो पैरट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो पैरट की जान तक भी जा सकती है। अभी नंबर थ्री पे आता है सीलिंग फैन। जी हाँ दोस्तों, सीलिंग फैन तो हम सभी के घर में होता है। वही आप अपने पैरट को केज से बाहर रख के ओपन ट्रेनिंग देते हो, घर में ओपन रखते हो, तो कई बार क्या होता है कि पैरट उड़कर फैन की तरफ चले जाता है। देखिए, पैरट मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वो फैन को चलते देख उसी तरफ उड़कर चले जाता है। इससे बचने के लिए पैरट को जब भी केज से बाहर निकाले तो फैन को ऑफ कर देना चाहिए। फिर पैरट के विंग्स को ट्रिम कर दे कि वो इतना हाइट पर ना उड़े। पैरट के विंग्स को कैसे ट्रिम करना है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर सकते हो। अभी नंबर फोर पर आता है हीटर। देखिए, सर्दी का मौसम अब आ चुका है, ठंड का मौसम आ चुका है, इस वजह से बर्ड कीपर टेंशन में रहते हैं कि उनके बर्ड पैरट को ठंड ना लग जाए और वो बीमार ना हो जाए। इसी डर के कारण वो अपने पैरट के पास हीटर रख देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, आप आपके रूम के किसी भी एक कोने में हीटर चला सकते हो जिससे रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाए, लेकिन कभी भी अपने बर्ड्स के पास हीटर नहीं चलाना है। अभी नंबर फाइव पर आता है ओपन वायरिंग। ये उनके लिए है जो लोग अपने पैरट को केज से बाहर रखते हैं, केज के बाहर ओपन रखते हैं। जैसे कि मैं अपने पैरट को केज से बाहर ओपन में ही रखती हूँ और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की हूँ। मेरे रूम में कई कई ओपन वायरिंग किया हुआ है, तो एक दिन मैंने नोटिस की कि मेरा पैरट वायरिंग को चबा रहा था, तो टाइम रहते मैंने अपने पैरट को वहां से हटा दी। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ हो चुके हैं। कई बार तार को कुतरते कुतरते तार का कवर भी निकाल देते हैं और पैरट को करंट लग जाता है। तो आप जहाँ पर अपने पैरट को रखते हो तो उस रूम के अंदर कहीं भी ओपन वायरिंग होंगी आप उसको हाइड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पांच चीजें हैं जो कि आपके पैरट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तो इसे आपको अपने बर्ड या पैरट से दूर रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय एवरीवन।